Good morning, students. Today we will start lesson number 7 Gupta Age and Other Rulers of Standard 6th SST. So, let's see. In this chapter, you will learn about the main rulers of the Gupta Empire and their contribution towards literature, science, and administration. The Gupta Empire rose in the 4th century AD after centuries of political instability the gupta age is called golden age of india the vast sanskrit literature and discoveries and inventions are testimony of their achievements the guptas are believed to be the original inhabitants of the northeastern region of india around modern day bihar why Gupta Empire is considered as a Golden age of India. It is considered as a Golden Age of India because Western invaders were defeated Shaka and Hun, and also establishment of kingdom from east to west coast of India was done. Prosperity and wealth in society is due to the good governance of Gupta kings share of indian trade in world was more than 20% now it is less than 0.1% Kalidas Panini Bhas Varahamihit were the leaders in various fields presented their classic to the world so in Gupta empire was considered as golden age of india Chandragupta I was one of the early rulers of the Gupta Empire. He married Lichhavi princess, set up his rule in Magadha and eventually expanded his kingdom. Shri Gupta was the founder of Gupta dynasty and the son of son's name was Ghatotkach. Gupta Ghatotkach Gupta was not the son of Chandragupta I. He was the son of Shri Gupta. Chandragupta I succeeded Patliputra as the successor of king Ghatotkach. ही एक्सटेंडेड इज बाउंड्रीज ऑफ़ मगध बाय कॉन्करिंग न्यू नियर बाई प्लेसेज उन्होंने अपनी मगध की बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड किया बढ़ाया क्योंकि उनकी नियर बाई जो प्लेसेस थे सबको कॉन्कर किया जैसे कि अलाहाबाद साकेत को ही अज्यूम ग्लोरियस टाइटल उनको एक ग्लोरियस टाइटल दिया गया महाराजा धीरज इन प्लेस ऑफ महाराज महाराज की जगह पर उसको महाराजा धीरज के नाम से बोला गया इन ऑर्डर टू शो हिस पावर एंड रेपुटेशन ही स्टार्टेड गोल्ड कॉइंस उनका पावर और रेपुटेशन दिखाने के लिए उन्होंने गोल्ड कॉइंस स्टार्ट किए सिंस द एक्सेशन ऑफ हिस कॉरोनेशन ही स्टार्टड गुप्ता संवत्त उन्होंने गुप्ता संवत भी स्टार्ट किया उनके कॉरोनेशन के टाइम पे वाला भी रूलर्स ऑफ सौराष्ट्र ऑल्सो एक्सेप्टेड गुप्ता संवत जो सौराष्ट्र के वाला भी रूलर्स थे उन्होंने भी गुप्ता संवत को एक्सेप्ट किया ड्यू टू इनिशिएशन ऑफ़ गुप्ता संवत द अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट लाइन वॉज मेड पॉसिबल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और गुप्ता संवत के इनिशिएशन उनकी मेहनत स्ट्रगल की वजह से जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स अरेंज किए थे वो सब पॉसिबल हो गए इंडिया की हिस्ट्री में

टाइमिंग क्या था कहाँ से कहाँ तक था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी दिस प्रशस्ति हैज़ बिन कम्पोज बाय रॉयल पोएट हरीसन और ये जो प्रशस्ति मीन्स प्रेज है जो ये लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है वो रॉयल पोएट हरीसन ने कंपोज किया था इट डिस्क्राइब्स द विक्ट्रीज एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ समुद्र गुप्ता ही गिव द इंफॉर्मेशन ही डिस्क्राइब द विक्ट्रीज एंड कल्चरल अचीवमेंट विक्ट्रीज मीन्स जीत हासिल करना एंड कल्चरल अचीवमेंट मीन्स व्हाट एवर द कल्चर्स लाइक हिंदू मुस्लिम बुद्धिज्म जैनिज्म ऑफ समुंद्र गुप्ता इन वेरी शॉर्ट टाइम ही मेड हिज ट्रैम्फन जर्नी मीन्स विनिंग जर्नी फ्राम नॉर्दर्न स्टेट टू द कुशन रूल ऑफ अफगानिस्तान मीन्स ही एक्सटेंडेड इज एम्पायर आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो ही एक्सटेंडेड इज एम्पायर टू द कुशन रूल ऑफ अफगानिस्तान मीन्स वहां तक उन्होंने अपना रूल स्प्रेड किया

गवर्नर्स एंड ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए गवर्नर्स एंड ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था समुंदर समुंदर गुप्ता वॉज अ ग्रेट कॉनकरर एंड अ कल्चरल एम्पर कॉनकरर मीन्स फाइटर थे वो एक अच्छे राजा थे उनको जीतने की काबिलियत भी थी कल्चरल एम्पर भी थे

Unfortunately, not even a single poem of his is available today. As far as the poetries are concerned, so we cannot get single poem written by him today. One coin shows Samundra Gupta playing Veena which shows his love for music. Samundra Gupta was a great poet and lover of music. The cold coins which depict him playing on the Veena show his passion for म्यूजिक ड्यूरिंग हिज रेन मैनी टेम्पल्स मोनेस्ट्रीज एंड जैन टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड उनके टाइम में बहुत सारे टेम्पल्स मॉनेस्ट्रीज एंड जैन टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए थे ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ समुंद्र गुप्ता इज नोन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द अश्वमेघ राइट इन दिस रिगार्ड हेड गॉड कॉइंस मेड और इसी रीजन से उनके कॉइन्स बने थे ही कलेक्टेड स्कॉलर्स इन हिज कोट एंड क्रिएटेड हाई क्वालिटी लिटरेचर स्कॉल हिस्स एंड ही वॉन्टेड कंपेनियनशिप उन्होंने अपने कोर्ट में स्कॉलर्स को एकत्र किया और हाई क्वालिटी लिटरेचर बनाया स्कॉलर्स को उसकी इच्छा थी एंड वह स्कॉलर्स का सहचार्य चाहता था ही एनक्रेज हिंदुजम्स ही एम्बरेज सोशल कस्टम्स उन्होंने हिंदुज्म को एनकरेज किया उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों को अपनाया समुद्र गुप्ता पोजिशन इन द हिस्ट्री इज़ यूनिक एंड सिग्निफिकेंट ही वॉज द क्रिएटर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर हिस्ट्री में उनकी स्थिति अद्वितीय यूनिक है और वो इम्पोर्टेंट है वह गुप्ता एम्पायर के महत्व का निर्माता है मीन्स उन्होंने गुप्ता एम्पायर को क्रिएट किया है Chandragupta II, also known as Vikramaditya, Gupta died. After Samundra Gupta, now Chandragupta II became the king. In his place, Chandragupta II came to the throne. After Samudragupta, Chandragupta II came on the place of Samundra Gupta. He not only successfully preserved the great legacy of his father, which he inherited, but also expanded the empire by conquering some of the regions. समुद्र गुप्ता एक्सपांडेड हि किंगडम टिल अफगानिस्तान तो चंद्रगुप्ता टू ने उसे प्रिजर्व मीन संभाल के रखा चंद्रगुप्ता टू ने जो किंगडम उसे वारसागत में मिला उसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखा साथ ही साथ उन्होंने कुछ रीजन्स को कॉन्कट करके एम्पायर को एक्सपेंड एक्सपांड किया चंद्र टू वॉज द मोस्ट टैलेंटेड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी सो चंद्रगुप्ता टू गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी के टैलेंटेड रूलर थे The बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू शाक किंगडम समुंद्र गुप्ता ने कुशन तक स्प्रेड किया था एंड नाउ ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर अप टू शाक किंगडम ही अटैक्ट गुजरात एंड एंडेड शाक्श्रप्पा डायनेस्टी उन्होंने गुजरात गुजरात पे अटैक किया एंड शक सत्राया डायनेस्टी को एंड कर दिया इन मेमरी ऑफ दिस विक्ट्री ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शाकाहारी गुजरात को जीत लिया तो वो जीत की मेमोरी ने उन, उस मेमोरी में उन्होंने शाकारी टाइटल को फॉलो किया ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड आदित्य उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था ही इंक्रीज हिज मिलिट्री पावर बाय एस्टेब्लिशिंग मैरिटल रिलेशन विद पावरफुल किंगडम्स टू रिमूव शाक्षत्रापास हु रूलिंग सिंस थ्री हंड्रेड years. शाक्षत्रापास को हराने के लिए एंड अपनी आर्मी का पावर स्ट्रांग करने के लिए पावरफुल किंग्स की डॉटर्स के साथ शादी की एंड मैरिटल रिलेशंस बनाए ताकि वो स्ट्रांग हो जाए एंड शा क्षत्रा जो थ्री हंड्रेड ईयर्स से गुजरात में रूल कर रहे थे उन्हें हरा सके ये उनकी स्ट्रेटेजी थी दिस मैरिज इज प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हिज एम्पायर एंड डिफिटिंग हिज एनिमीज ये मैरिज ये जो मैरिज किए थे उन्होंने उसके एम्पायर को इंक्रीज करने में हेल्पफुल रही एंड एनिम्स को डिफीट करने में भी हेल्पफुल रही न्यू टेरिटरीज वोन बाय हिम वर वेरी इम्पोर्टेंट एंड इवन ही वोन सो मैनी न्यू टेरिटरीज एंड मिक्स देम विथ हिस्स किंगडम दे ऑप्टेंड द रिच किंगडम्स ऑफ गुजरात एंड सौराष्ट्र द प्रोस्परस पॉट्स ऑफ भृगुक नाउ प्रेजेंटली नोन एज भरूच एंड स्टाम्बे नोन एज खम्बाथ तो कौन कौन से किंगडम्स उन्होंने जीत लिए तो गुजरात एंड सौराष्ट्र एंड प्रॉस्परस मींस मींस बहुत समृद्ध जो जहां पे शिप को लोड और अनलोड किया जाता है वो तो वो भृगा कच्छ प्रेजेंटली भरूच एंड स्तंभ सॉरी स्तंभ स्ट, तीर्थ विच इज प्रेजेंटली खम्बा तो वो दोनों पोर्ट्स भी उसने जीत लिए एज अ रिजल्ट मेरी टाइम ट्रेड ऑफ द स्टेट इंक्रीज एंड गुप्ता किंग्स बिकेम ओनर ऑफ इनटेजिबल प्रॉपर्टी मैरिटाइम ट्रेड मीन्स ह्यूज ट्रेड इंटेंजिबल मीन्स अनएबल टू टच और वी कैन से नॉट हैविंग फिजिकल प्रेजेंट बटर वी कैन से टू मच प्रॉपर्टी इतने सारे उन्होंने जीत लिया सो नाओ दे हैड अूज प्रॉपर्टी बिकॉज उसने बहुत सारे एनिमल्स को हराया गुजरात सौराष्ट्र भरूच खंबात के जो पोर्ट्स थे वहाँ से भी उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली थी Fahin, a chinese pilgrim means chinese traveler in the time of chandragupta to praise administration and prosperity of gupta empire means this chinese pilgrim Fahin wrote in his book and even he praised the administration means jo management tha wo, and gupta empire ki jo prosperity thi. because earlier we have already discussed that the gupta age was considered the golden age of indian history तो वो सारी चीजें उसने वहां पे नरेट की है दो चंद्रगुप्ता टू वॉज वैष्णव ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन वो वैष्णव थे बट उनको दूसरे रिलीजन के लिए ग्रेट रिस्पेक्ट थी हिज आर्मी चीफ अमराकर देव वॉज बुद्धिस्ट एंड हिज स्टेट मिनिस्टर वारसेन वॉज शेव उनके जो आर्मी चीफ थे अमराकर देव वो बुद्धिस्ट थे एंड उनकी स्टेट के जो मिनिस्टर थे वारसेन वो शैव थे मैनी मोनेस्ट्रीज़, मींस आश्रम वर देयर इन द कैपिटल Patliputra. Up to now, Magadha was their capital, but here Chandragupta II changed his capital to Patliputra. So many ashrams were there in Patliputra because of cultural achievements achieved during his reign. The Gupta age could become the golden age. Whatever the achievements they achieved during their reign, specially for Chandragupta II, their age was considered. Means Gupta age is considered as the golden age. He was the patron of scholars. एंड पोयट्स वो स्कॉलर एंड पोयट्स की रिस्पेक्ट करते थे एंड ही वॉज द स्पॉन्सर ऑफ दम द ग्रेट संस्कृत पोयट एंड प्लेराइट कालिदास रॉयल पोट रॉयल कोर्ट में बैठने वाले एक इंपॉर्टेंट ग्रेट संस्कृत पोयट एंड प्लेराइट एंड द नेम वॉज कालिदास सो ही वॉज इज रॉयल पोयट धनवंतरी वॉज इज रॉयल वैद्या वैद्या मीन्स जिसको हम डॉक्टर भी बोल सकते हैं फिजिशियंस तो धनवंती उन धनवंतरी उनका रॉयल वैद्य था जेम्स लाइक साइंटिस्ट वाराहिमिर वैताल भट्ट राइटर ऑफ अमरकोश अमर, अमर सिंह एक्सेट्रा यूज टू तो एड ऑन द कोर्ट सो so, कालिदास धनवंती एंड साइंटिस्ट वाराह हीर वैतल भट्ट हैज रिटन अमा कोश अमर सिंह एक्सेट्रा इन सब ने उनके कोर्ट की शोभा बढ़ाई थी

He built a number of Buddhist monasteries in the capital Patliputra. Being a Vaishnav, he built so many monasteries means both the ashram hai, wo bhi usne apne capital Patliputra me banaya. Mehrauli Iron Pillar near Delhi. वॉज मेड ड्यूरिंग हिज रेन विच हैज़ नॉट ट्रस्टेड फॉर सेंचुरीज डिस्पाइट बींग इन हीट एंड रेड रस्टेड मतलब जो कार्ट खा जाते हैं ना लोखंड के थे फिर भी उसमें कुछ भी काट खाई हुई नहीं थी कुतुब मीनार के पास मेहरोली आयरन पिलर है वो थर्ड सेंचुरी मीन्स हम लोग काउंट करें कि वो थर्ड या फोर्थ सेंचुरी में बना था बट हैज़ नॉट ट्रस्टेड आयरन का बना है फिर भी रस्ट कार्ट नहीं खाया है डिस्पाइट बींग हीट एंड रेड वी कैन से इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब आज थर्ड फोर्थ सेंचुरी में भी बना था आज ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है फिर भी वो चीज वैसी की वैसी ही अभी तक है ही मेड उज्जैन हिज अनदर कैपिटल बिसाइड्स पाटली पुत्र पाटलिपुत्र फर्स्ट कैपिटल था देन आफ्टर ही मेड उज्जैन आल्सो एज अ सेकेंड कैपिटल ही डिवाइडेड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर रनिंग स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही डिवाइडेड द स्टेट इन डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने अपने स्टेट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया तो वाई बिकॉज द स्टेट वॉज टू ह्यूज बहुत बड़ा था तो कोई एक राजा अकेला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकता था इसलिए उन्होंने उसको पार्टीशन में किया इन द एयरफोर्ट हंड्रेड एंड फोर्टीन द ग्रेट एम्परल चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य डाइट फोर हंड्रेड एंड फोर्टीन में एम्परल चंद्रगुप्ता की डेथ हो गई एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एक चीज है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग किंग है वो अपनी डायनेस्टी को आगे लेके जाएंगे जैसे ही वो वीक बन जाएंगे तो वो डायनेस्टी एंड हो जाएगी सो आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्र गुप्ता टू हिज मैजेस्टिक सन कुमार गुप्ता केम टू थ्रोन तो चंद्र गुप्ता वन की डेथ के बाद उनके बेटे कुमार गुप्ता वन किंग बने ड्यूरिंग हिज टाइम सम फेमस केव्स ऑफ नालंदा एंड सम केव्स ऑफ अजंता वर इरेक्टेड इरेक्टेड मीन्स बिल्ट बने तो उनके टाइम पे नालंदा दैट वॉज विश्व विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एंड अजंता केव्स बने थे आफ्टर कुमार गुप्त वन हिज़ ब्रेव सन स्कंद गुप्ता केम टू पावर कुमार गुप्त वन के बाद स्कंद गुप्ता जो किंग उनके बेटे थे वो पावर पे आए मतलब वो किंग बने यू कैन सी पिक्चर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एंड इवन केव्स ऑफ अजंता विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुमार गुप्ता वन यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनको ध्यान से देखो द वीक रूलर्स ऑफ पोस्ट स्कंद गुप्ता टाइम कुड नॉट विद स्टैंड ऑन स्लॉट अटैक्स ऑफ द ऑब्सेसिव एंड पावरफुल ह्यूनर्स एंड गुप्ता एम्पायर डिस इंटीग्रेटेड इन फाइव हंड्रेड एंड स्कंद गुप्ता के बाद के समय के कमजोर रूलर्स जो, जो किंग बने थे जुनूनी और शक्तिशाली हूनर्स के अटैक का सामना नहीं कर सके और गुप्ता एम्पायर फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी में पूरा Bikhar gaya. means it was the end of gupta dynasty next topic is the gupta administration the gupta empire declined due to the continual attacks of the huns the guptas did not have a large army during war the king's vassals would fulfill the requirements so they become very powerful the administration was decentralized and the bureaucracy accuracy consisted of kumar amatya's who headed various positions? The priests received many grants and villages and developed many temples. These areas enjoyed financial and administrative concessions and became independent in all matters. Society grew more and more complex as the inhabitants, farmers, and artisans began to be controlled by the landlords trade in the gupta era the trade that the guptas had with the westerns collapsed during this period the restrictions imposed on their empire obstructed their internal trade and their economic system suffered the collapse of trade caused the decline of the city centers and patliputra got reduced to a village Economic condition during Gupta Age. In economic terms, Gupta Age was a golden period. We have already discussed that Gupta Age is called the golden era. We can say golden age of Indian history. So, in some way, in economic terms, means money and all the other things are concerned. In that term, also, Gupta Age was concerned as golden period. Farming, internal trade, and international trade will vary developed. Farming was developed with them. Internal trade, we can say that from one state to another state, from one provision to another provision, and even international means abroad, say, means beyond India, KB be trade, tha, which developed very much. Special farming practices included annual three year and five year farming. At that time, annual farming means yearly farming, three years farming, and five year farming were done. Wheat rice in North India, sugarcane in Gandhar, grapes and kesar in Kashmir, and cocon coconut in Kamrup were grown. In which area, which crops were grown? As far as the North India region were concerned. So basically, wheat and rice, then sugarcane, sherdi in Gandhar, grapes and kesar in Kashmir, and coconut. इन कामरूप वर ग्रोन राइस वॉज ग्रोन इन लार्ज क्वान्टिटी इन बेंगाल बंगाल में राइस लार्ज क्वान्टिटी में ग्रो होते थे कॉटन इन गुजरात एंड सिंध एंड सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन बेंगाल एज फार एज कॉटन इज कंसर्न सो यू हैव टू रिमेंबर गुजरात एंड सिंध एरिया एंड सिल्क इन बंगाल ट्रेड ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसिस सिल्क एंड कॉटन हैड डेवलप्ड इन साउथ India South India is very famous for spices and condiments means one kind of spice means masala देन सिल्क एंड कॉटन इवन आज भी हम कॉटन की बात करें तो साउथ इंडिया में केरला में कॉटन की सारी फेमस है किंग यूज टू टैक्स वन सिक्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन लैंड वॉज डोनेटेड टू ब्राह्म एंड टेम्पल्स सो किंग टोटल लैंड प्रोडक्शन का वन सिक्स पार्ट ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स को दान करते थे इंटरनेशनल ट्रेड वॉज द एपिटोमी ऑफ गुप्ता एज वी कैन से इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एट सुप्रीम हाइट के ऊपर था कॉटन सिल्क एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप फ्रॉम इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया से होके कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस यूरोप में भेजे जाते थे वाले कॉटन सिल्क स्पाइसेस, कॉन्टिनेट्स एंड वर एक्सपोर्टेड टू ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेशनल पोर्ट्स लाइक खम्बा बरूद सोपेरा एंड ताम्रलिप्ति हमने सिर्फ कॉटन सिल्क एंड स्पाइसेस की बात की बट कॉटन सिल्क स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स एंड टिम्बर मीन्स वुड भी एक्सपोर्ट किया जाता था तो कहाँ पे एक्सपोर्ट होता था तो ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेशनल पोर्ट्स लाइक खम्बा बरूच सोपारा एंड तामरा लिप्ती ये थर्ड टू सिक्स सेंचुरी के इंटरनेशनल पोर्ट्स थे गोल्ड सिल्वर एंड अदर आइटम्स वर इम्पोर्टेड इवन गोल्ड एंड सिल्वर आइटम्स वर आल्सो इम्पोर्टेड रिलीजियस स्टेटस हिंदुआज एंड इंडियन कल्चर आर सीन इन फुल स्विंग ड्यूरिंग गुप्ता एज गुप्ता एज में हिंदुआज एंड इंडियन कल्चर एकदम हाइट पर दिख रहे थे द गुप्ता एम्परर्स केव वैष्णविज्म द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजियन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट रिलीजियन मीन्स राज्य का कोई धर्म था तो वो वैष्णविज्म था एज अ रिजल्ट विष्णु His Avatar Sri Ram and Shri Krishna were mostly worshipped at this time. They belong to Vaishnavism, means Vaishnav the, to Vishnuke Avatar Sri Ram and Shri Krishna, so they both were worshipped at this time. लक्ष्मी बिकेम वेरी फेमस गॉडेस तो विष्णु अवतार की बात करें तो लक्ष्मी वो विष्णु भगवान की वाइफ हैं तो लक्ष्मी जी को भी वर्शिप किया जाता था इट वॉज़ ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली दैट रामायण द महाभारत एज वेल एज़ द पुरान्स वर रिकम्पाइल रिकम्पाइल मीन्स रिकम्पोज तो उस टाइम पे रामायण महाभारत और पुरान्स रिकम्पोज हुए थे मीन्स फिर से लिखे गए थे या फिर से लिखना स्टार्ट किया था श्रीमद भगवद गीता बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दिस टाइम सो वाई बिकॉज दे बिलोंग टू हिंदुज्म सो वो वैष्णव थे एंड गीता इज कनेक्टेड विद लॉर्ड कृष्ण लाइक वैष्णविज्म शैविज्म ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्ता एट शेविज्म मीन्स लॉर्ड शिवा को वर्शिप करना तो वैष्णविज्म के साथ जै, के जैसे शिवाइज्म भी डेवलप हो रहा था इन साउथ इंडिया शिव सेंट्स वर्क और नायनर वैष्णव अलवर इन साउथ इंडिया साउथ इंडिया में जो शिव सेन्ट थे लॉर्ड शिवा के जो जो को वर्शिप करते थे उनके जो भक्त थे उनको न्यानार कहा जाता था एंड वैष्णव सेंट थे उनको अलवर कहा जाता था महिषासुर मार्दिनी दुर्गा वॉज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलरली वर्शिप्ड है तो महिषा सुर एक असुर राक्षस था उसको मर्द करने वाली मीन्स फिनिश करने वाली मानने वाली दुर्गा माता थी उनको भी वर्शिप किया जाता था द वर्शिप ऑफ कार्तिकेय के वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस ड्यूरिंग गुप्ता एज कार्तिकेय लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती के सन थे तो उनकी भी पूजा की जाती थी इस गुप्ता टाइम पे गुप्ता एज पे इवन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्ता एज समुंद्र गुप्ता वॉज प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिज्म महायान एंड हिंडियन कल्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो डेवलप्ड कल्ट मीन्स सेक्ट तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों ही डेवलप हुए थे समुद्र गुप्ता बुद्धिज्म के प्रोटेक्टर थे एंड बुद्धिज्म में टू पार्ट्स थे महायान एंड हिंडन तो बोध सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म वॉज डेवलप ड्यूरिंग दिस एज कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड गुप्ता एज वॉज कल्चरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड की गोल्डन एज ऐसे ही नहीं कहा जाता हर एक सेक्टर में प्रॉपर डेवलपमेंट हो एट दैट टाइम ओनली वी कैन से गोल्डन एज सो कल्चर में भी गोल्डन एज थे मैनी न्यू लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग दिस एज कालिदास कन्स स्वामी हरी स्वामी एंड रानी विजया एंड आर्यासुर इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स इस एज में बहुत सारी लैंग्वेज डेवलप हुई थी तो लिटरेचर को बिलोंग करने वाले कालिदास स्कंदस्वामी स्वामी एंड रानी विजया एंड आर्यसुर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे अमोंग ऑल ऑफ दैम कालिदास वॉज द बेस्ट कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया इन सब में से कालिदास बेस्ट था शेक्सपियर बिलोंग्स टू इंग्लिश लिटरेचर एंड उन्होंने जो भी लिटरेचर में वर्क किया है वो माइंड ब्लोइंग है चाहे वो ड्रामा हो या पोयम हो या प्ले हो एंड सेम थिंग वॉज डन बाय कालिदास दैट्स वाई कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स ही रोट एपिक्स लाइक अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम एंड मेघ मोस्ट फेमस वर्क ऑफ कालिदास एपिक्स मीन्स लॉन्ग पोयम सो अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम एंड मेघ एपिक्स वर रिटन बाय कालिदास गुप्ता एज वॉस एरा ऑफ़ आर्किटेक्चर एंड गुप्ता एज में बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्ट हुए थे गॉप इन गुजरात पार्वती टेम्पल ऑफ नचाना कोठार एंड टेम्पल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया सबसे पहले बनने वाले टेम्पल्स गॉप इन गुजरात पार्वती टेम्पल इन ऑफ नचाना कोठार में एंड टेम्पल ऑफ झांसी ये सारे टेम्पल सबसे पहले बने थे इंडिया में गुप्ता एज के टाइम पे द गुप्ता एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर एंड वी कैन से दैट ड्यूरिंग द गुप्ता एज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज स्टार्टेड द आइडल्स ऑफ दुर्गा बुद्धा कृष्णा एंड शिवा वार मेड इन लार्ज नंबर्स तो दुर्गा बुद्धा कृष्णा एंड शिवा की मूर्ति बहुत ही लार्ज नंबर्स में बने थे so next topic is condition of science during gupta age as far as gupta age is considered as golden age so it is not like that the development is only and only in culture and literature and management but it but each and every way the development must be there so we are going to discuss about science now the question is that we are living in 21st century and right now we are studying about 3rd to 6th century so at that time science was there

डिस्कवर्ड मीन्स फाइन करना सो हु डिस्कवर्ड जीरो तो आर्यभट्टा डिस्कवर्ड जीरो एंड इवन डेसीमल सिस्टम ऑल्सो डेसीमल सिस्टम यू मे बी रीडिंग इन यू आर लर्निंग इन मैथ्स वराम ही रोड एंड इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट नेम बृहद संहिता विच वॉज रिलेटेड विथ एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी मीन्स रिलेटेड विद द स्पेस एंड ऐसा बोला जाता है कि वहीं टाइम पे उन लोगों ने फाइन कर दिया था कि कितने प्लानट्स हैं अर्थ कैसी थी कैसे रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन होता है सो ऑल दिस थिंग्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम सो द इम्पोर्टेंट बुक संहिता जो अर्थ का नहीं है उसके बाहर का मीन्स स्पेस का देन रोट अ ग्रेट टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा नेम्ड अस्तंगा ने आयुर्वेद के पे वेदा पे एक बुक लिखी थी वो है अष्टान सहन

वहां पे मिलिट्रीज यूज क्या करते हैं एलिफेंट एंड हॉर्सेज का यूज करते हैं सो समटाइम्स एलिफेंट्स एंड हॉर्सेज गॉट इंजर्ड सो टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ वर डिस्कवर्ड केमिस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड क्वाइट वेल इट्स बीन इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज आयरन पिलर ऑफ मेहरौली नियर दिल्ली विच इज नॉट क्रोडेड इवन टूडे ऑल्सो केमिस्ट्री भी डेवलप हुई मीन्स जो भी मेटल्स हैं उसके रिलेटेड थिंग्स भी वहाँ पर डेवलप हो गई थी उसका बेस्ट एग्जाम्पल मेहरोली जिसके बारे में मैंने बताया था कि इट इज़ नियर कुतुब मीनार तो आज तक उसका रस्ट नहीं हुआ मीन्स काट नहीं लगा वेदर इट इज कोल्ड हॉट और रेनी सीजन ऑल्सो इट इज इन अ ओपन एरिया स्टिल वी कैन गेट द बेस्ट एग्जाम्पल सो वी कैन से इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री

सन्स ऑफ प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन दोनों ही प्रभाकर वर्धन के संस थे वाइलिस डॉटर वॉज राजेश्री मीन्स हर्षवर्धन की सिस्टर का नाम राजेश्री था हु वॉज मैरिड टू किंग ऑफ कानूज ध्रुवर्मन एंड राजेश्री ने कानूज के किंग ध्रुवर्मन के साथ साथ मैरिज की थी गाउट किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा किडनैप राजेश्री एंड अटैक ऑन द किंगडम विच क्रिएटेड अ मेजर क्राइसिस क्राइसिस मींस प्रॉब्लम तो गाउट के किंग शशांक एंड मालवा के किंग दोनों ने मिलकर राजेश्री को किडनैप कर दिया एंड देन दे अटैक द किंगडम थानेश्वर राज्यवर्धन डाइड वाइल ट्राइंग टू तो सेव राजेश्री अपनी बहन राजेश्री को बचाने में राज्यवर्धन की डेथ हो गई इन सच एन इमरजेंसी सिचुएशन एम्पर हर्ष असेंडेड द थ्रोन इन 1606 एडी एल्डर ब्रदर राजेश्वरी की डेथ को हो गई तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में एम्पायर हर्षवर्धन केम ऑन द थ्रोन इन 1606 एडी ही सेव राजेश्वरी नॉट ओनली दिस ही स्टार्टेड हिज प्रॉपर रूल इन बोथ द स्टेट्स कानूज एंड थानेश्वर कानूज को हरा दिया मीन्स जहाँ पे राजश्री उसकी सिस्टर के मैरिज हुए थे तो उन्होंने दोनों स्टेट्स कानूज एंड थानेश्वर में प्रॉपर रूल स्टार्ट किया हर्षवर्धन वॉज ग्रेट एम्पर ऑफ एंशियंट इंडिया ही स्प्रेड हिज एम्पायर इन मगध उड़ीसा सरस्वत गौउड मिथिला एंशियन मीन्स ओल्ड इंडिया के वो लास्ट ग्रेट एम्पर थे एंड ही स्प्रेड इज किंगडम फ्रॉम थानश्वर टू मगध उड़ीसा सरस्वत गाउड एंड इवन मिथिल्ला इन कंटेम्प्रेरी स्टेट्स मैत्रक किंग ध्रुवसेन वॉज हिज सन इन लॉ हर्षवर्धन के सेम टाइम पे जो स्टेट्स थे उसमें से मैत्रक का जो किंग ध्रुव सेन था वो उनके सन इन लॉ बने पुलकेशी टू वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन वास रूलर रूलर दे रूर दे रूर द साउथ हर्षवर्धन वॉज द रूलर ऑफ द नॉर्थ एंड पुलकेशी टू वॉज द पावरफुल रूलर इन द साउथ इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी हर्षवर्धन वाज डिफ़ीटेड तो हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू के बीच में बैटल ऑफ नर्मदा हुआ था एंड उस बैटल में हर्षवर्धन हार गए हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज द पावरफुल किंग इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा तो नर्मदा के ऊपर नॉर्थ के बात करें तो वहाँ पे हर्षवर्धन को पावरफुल किंग माना जाता था कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्पर हर्षवर्धन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द कल्चर इज़ कंसर्न द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्पर हर्षवर्धन इज़ देर ग्रेट चाइनीज़ ट्रावेलर ह्यून सेंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम हर्षवर्धन के टाइम पे ग्रेट चाइनीज ट्रावेलर ह्यून सेंग इंडिया में आए थे स्टेड इन हिज पैलेस एंड वो हर्षवर्धन के पैलेस में रुके थे हर्ष वॉज डिवोटी ग्रेट फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म हर्ष लॉर्ड शिवा को मानते थे एंड देन आफ्टर वो लॉर्ड बुद्धा के भी फॉलोवर बन गए ही ऑर्गेनाइज अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफेंग चाइना को बिलोंग करते थे एंड उनको लीडर बनाने के लिए बना के बहुत सारे रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए थे ही प्लेस्ड आइडल ऑफ बुद्धा ऑन मेंटल ऑफ एलिफेंट एंड वर्शिप मेंटल मीन्स एक हाइटेड प्लेस होता है एलिफेंट में एंड वहाँ पे उसने बुद्धा की आइडल मीन्स मूर्ति रखी अ सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज ऑन महायान एंड हिंडियन महायान एंड हिंडियन बोथ आर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म तो उसमें से, उसके रिलेटेड सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था एम्पर हर्ष हैड पैशन फॉर लिटरेचर आर्ट एंड एजुकेशन एम्पर हर्ष को लिटरेचर आर्ट एंड एजुकेशन बहुत अच्छा लगता था ग्रेट पोएट बान भट्ट वॉज एसोसिएटेड विथ हिस्स कोट सो द ग्रेट पोयट ऑफ हर्षवर्धन कोट वॉज बान भट्ट ही हैड रिटर्न ग्रेट वॉल्यूम्स लाइक हर्ष चरितम एंड कादम्बरी इन संस्कृत बान भट्ट ने टू बुक्स लिखी हर्ष चरितम एंड कादंबरी एंड वो दोनों बुक्स संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी मयूर भट्ट And Jay Surya were also great poets of the time of Harsh. So not only Banbhatt, but Mayurbhatt and Jay Surya were also the great poets at that time. Emperor Harsh himself also was a high-ranking literary figure. हर्षवर्धन को खुद को भी लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था ही कंपोज टू प्लेस कॉल्ड प्रियदर्शिका एंड रत्नावली हर्षवर्धन ने टू प्लेस मींस दो नाटक कंपोज किया एक था प्रियदर्शिका एंड दूसरा रत्नावली अलोंग विथ इट ही आल्सो रोट अ स्पेशल प्ले बेस्ड ऑन जातक स्टोरीज ऑफ बुद्धा नेम्ड नागानंद जातक स्टोरीज बिलोंग टू लॉर्ड बुद्धा जो बुद्धा से कनेक्टेड स्टोरीज है उनके चाइल्डहुड की तो हर्षवर्धन ने वो स्टोरी नागानंद नेम से लिखी हर्ष ऑल्सो फॉर्मड फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज ही सेंट अ डेलीगेशन टू चाइना डेलीगेशन मीन्स दूध तो एक दूध को चाइना में भेजा क्योंकि चाइना से ह्यून सेंग आया था तो उस तर, इस तरह से वो दूसरी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया करता था सिमिलरली सिमिलर डेलीगेशन ऑल्सो विजिटेड इंडिया एज आई टोल्ड यू स्टैंग विजिटेड इंडिया इन दिस वे हर्ष वॉज हाई रैंकिंग रूलर कॉनकरर एडमिनिस्ट्रेटर एंड लिटरेचर हर्ष एक हाई रैंकिंग रूलर तो थे ही एंड कॉन्करर मीन्स एक योद्धा एंड एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स अच्छे से मैनेजमेंट करने वाले एंड लिटरेचर में भी इंटरेस्टेड थे ही डोनेटेड हंड्रेड विलेजेस टू सस्टेन नालंदा विद्यापीठ नालंदा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने हंड्रेड विलेजेस डोनेट किए next ruler or we can say contemporary ruler is pulkeshi ii so among the contemporary kings of emperor harsh time pulkeshi ii was the most powerful chalukyan king as far as Harshvardhan was concerned we can say pushyabhuti king and here pulkeshi ii belonged to chalukya emperor emperor or chalukya king he took the power from फ्रॉम राष्ट्रकूटा महाराष्ट्र he was the king of south तो so south से ऊपर जाओगे तो महाराष्ट्र आएगा तो महाराष्ट्र के rashtrakuta है उनको हरा के वहां पे उनका स्टेट है उसको एस्टेब्लिश किया पुलकेशी टू रूल्ड

को हराया उन्होंने एंड देन आफ्टर ही गॉट द टाइटल लॉर्ड ऑफ द साउथ साउथ के भगवान ही ऑल्सो डिफिटेड लात मालव एंड गुजरात उन्होंने लात मालव एंड गुजरात को भी जीता ही वॉज द रूलर ऑफ ऑल रिजन्स ऑफ कर्नाटका महाराष्ट्र एंड कौनक कर्नाटका महाराष्ट्र एंड कौनक का वो रूलर बना जस्ट लाइक हर्ष ही हैड ऑल्सो डेवलप्ड वन ऑफ हिस एम्बेसर टू इरान्पर खुशराव टू वाज़ हिस्स फ्रेंड हर्षवर्धन के जैसे इन्होंने भी दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस मेंटेन रखे थे उन्होंने एक एम्बेसडर्स मींस यहाँ से फॉरेन कंट्री में एक एम्बेसडर को ईरान से भेजा एंड ईरान के एम्पर खुशवा राव उनके फ्रेंड थे सम ऑफ द अदर स्टेट्स एट दिस टाइम अदर स्टेट्स इंक्लूडेड पल्लावास ऑफ कांची गुजराट प्रतिहार्स ऑफ राजस्थान मैतराक्ष ऑफ वल्लबी गुजराट इन साउथ गुजरात कार्कोटका ऑफ काश्मीर एक्सेट्रा नॉर्थ एंड साउथ की अपन ने बात की बट बाकी स्टेट्स में भी थे तो कहाँ कहाँ थे तो पल्लावास ऑफ कांची गुजराट प्रतिहार्स ऑफ राजस्थान मैत्राक्स ऑफ वल्लबी गुजराट इन साउथ गुजरात कार्कोटका ऑफ काश्मीर एक्सेट्रा पल्लवास ऑफ कांची हैड बिकम फेमस फॉर दर आर्किटेक्चर एंड आर्ट कांची के पल्लवास थे वो आर्किटेक्चर एंड आर्ट की वजह से फेमस थे दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश बाय कटिंग रॉक्स बाय कटिंग द रॉक्स पल्लावास मेक टेम्पल्स ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश पल्लावास हु बिल्ड चेरियर टेम्पल ऑन सी शोर हैव इंक्रीज इंडियाज कल्चरल प्रॉस्पेरिटी पल्लावास ने सी शोर पे चेरियर टेम्पल्स बिल्ट करवाए चेरियर मीनस रथ टेम्पल्स उन्होंने बनवाए एंड उन्होंने इंडिया की कल्चरल प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज किया kailashna temple built in kanchipuram can be considered as the best temple of that time best temple made by pallavas was kailashna temple in kanchipuram so students with this our chapter number 7 gupta age and other rulers end